बेटा ये जो है हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये इसका आज का टॉपिक है, हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो ये क्या है उसके बारे में हम एक बार तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे बेटा मैंने कार्बन से हाफ ओ टू का रिएक्शन में सीओ टू बना सकते, सीओ बना सकते कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड में हाफ ओ टू के साथ रिएक्शन करके सीओ टू बना सकते, तो ये वाला क्या होगा, टू स्टेप में हुआ, इन टू स्टेप, टू स्टेप, दो स्टेप में बनाया। आई मान लो कि हमने सी से डायरेक्ट ओ टू से रिएक्शन कर दिया तो सीओ टू बनेगा, तो सी प्लस ओ टू गिव सीओ टू इन वन स्टेप। और ये जो बनाया था ये क्या होगा, दो स्टेप में बना था, ये वाला पहले सी प्लस हाफ ओ टू गिव सीओ, फिर सीओ प्लस हाफ ओ टू गिव सीओ टू, ये टू स्टेप। ऐसे करके मेनी स्टेप हो सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन दो स्टेप में करो और एक सिंगल स्टेप में करो, तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है, सपोज यहाँ पे एंथैल्पी H1 है, इधर पे मान लो H2 है, ओके, तो इसमें जो एंथैल्पी होगी वो कितना होगा, सपोज H है तो H इक्वल्स टू H1 प्लस H2 होगा, नहीं तो यहाँ पे डेल्टा H1 बोलो, यहाँ पे डेल्टा H2 बोलो, तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। ओके बेटा, तो इसका अभी स्टेटमेंट क्या होगा, इसका जो स्टेटमेंट होगा उसी को ही बोलेंगे हेज लॉ। ओके पहले सॉरी, जो मतलब इसमें जो है इसका जो स्टेटमेंट क्या होगा, इसके जो स्टेटमेंट है जो हमने बताया, इसका जो स्टेटमेंट है उसी की क्या बोलते हैं, हेज लॉ हीट समेशन। तो क्या देखो, इफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप, यहां पे कितना, दो स्टेप था, देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पीज इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन इन व्हिच द ओवरऑल रिएक्शन मे बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर, मे बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, देखो हेलो कौन कौन बोले, अभिनव एंड लक्षित, ये जो स्टेटमेंट है क्लियर हुआ बेटा, इफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन एंथैल्पी इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन दैट इज इन टू विच द ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। ओके लक्षित इज इट क्लियर टू यू, पाखी क्लियर, श्रुति क्लियर बेटा, अंजलि साक्षी, समृद्धि, अंकित क्लियर हो गया, गुड ठीक है, श्रुति क्लियर हो गया, सुलग्ना ओके। नाउ मैं अभी एक क्वेश्चन इसका बताते हैं, देखो इसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं जो 10th क्लास में, जैसे ये देखो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसमें एक चीज होती है, देखो द कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एंड वन एटमोस्फियर आफ्टर कंबसन सीओ टू एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एंड 3267 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। किसको बर्न किया था, वन मोल ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मेशन का एंथैल्पी बनाना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ टू एंड वाटर इसका दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला गिवेन है, सीओ टू और वाटर का फॉर्मेशन की एंथैल्पीज गिवेन है, और बेंजीन को जब बर्न करते हैं एक मोल का इतना हीट प्रोड्यूस होती है,
हीट प्रोड्यूस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, हीट प्रोडक्शन मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अभी रिएक्शन को लिखते हैं, हम लोग पढ़ रहे प्रॉब्लम 6.8। प्रॉब्लम 6.8 तो इसी के अंडर में है। प्रॉब्लम 6.8 क्या था उसमें, 1 मोल बेंजीन C6H6, ये क्या 1 मोल प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस वाटर। इसका डेल्टा एच का वैल्यू कितना बोला था, 3267 किलो जूल पर मोल। इसमें माइनस लगेगा, क्यों माइनस लगेगा, बिकॉज ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर, स्टेप वन क्लियर। लेकिन ये वाला रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन तो है लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं, तो बैलेंस करना पड़ेगा तब जाके लिख पाएंगे। C6H6 प्लस O2 का पता नहीं कितना है, 6 कार्बन है तो 6 CO2 पुट किया, 6 हाइड्रोजन है थोड़ी 3H2 कर दिया, तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो कितना लिखेंगे 15/2, बिकॉज ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 15 ऑक्सीजन हो जाएगा। ये जो मैंने बैलेंसिंग किया तो इसका डेल्टा एच का वैल्यू कितना है, -3267। अभी यूनिट मैंने नहीं लिखा, खुशी क्लियर बेटा, बैलेंसिंग क्लियर बेटा। खुशी बैलेंसिंग क्लियर हुआ, अच्छा ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में और कुछ गिवन था, क्या बोला बेटा, जो है फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 देखो मोल में दिया था 1 मोल, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये भी 1 मोल है, ठीक है ना। CO2 का कितना, -393.5 किलो जूल CO2, तो C+O2 गिव CO2, तो डेल्टा एच का वैल्यूज जो -393.5, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा जाएगा कम है। और वाटर का H2+O2 गिव H2, 1 मोल ही होना चाहिए बेटा, 1 मोल पर मोल बोलता ना, 1 मोल ही होना चाहिए। बेंजीन में 1 मोल रहा था कॉम्बसन, तो इसका भी 1 ही मोल रखा था, तो इसका भी 1 होगा, तो इसीलिए क्या करेंगे, H2+ ½ O2। डेल्टा इसका वैल्यूज कितना, -285.83, सबका ही किलो जूल पर मोल में है। क्लियर बात, अभी हम लोग को रिक्वायर्ड क्या है, टू फाइंड, ये सब गिवेन है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखो लिखा है, क्या लिखा है, टू फाइंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मेशन का डेल्टा एच तुमको फाइंड करना है। बेंजीन कैसे बनता है वो पहले देख लेते हैं। बेंजीन जो है C6H6 है, तो 6 कार्बन है, बेंजीन का फॉर्मेशन इधर 1 मोल होना चाहिए, बेंजीन का फॉर्मेशन, और हाइड्रोजन 3H2 बन गया, बोलो इसका डेल्टा एच हम लोग को फाइंड करनी है। इज इट क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर, अभय क्वेश्चन इज क्लियर, ऋषिराज क्लियर है, राघवेंद्र, अच्छा खुशी क्लियर है बेटा, खुशी समृद्ध, अच्छा ठीक है। नाउ ये देखो यहाँ पे 6 कार्बन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे 1 ही कार्बन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 इंटू करेंगे, 6C+6O2 गिव 6CO2, डेल्टा एच का वैल्यू जो है 6 इंटू -393.5
0.5, तो माइनस में कितना आएगा बेटा, थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, कितना आए थे एक बार चेक कर लेते हैं, इससे पहले भी हम लोग किए हैं ना, इससे पहले भी, हाँ 2361 माइनस 2361, ये तो मैंने सेकंड टाइम कर रहा हूं, किलो जूल पर मोल, इन तो कितने बार भी करो एक ही आंसर आएगा। अभी हाइड्रोजन में कितना, तीन चाहिए, तो इसको थ्री से इंटू कर देते, थ्री एच टू प्लस थ्री बाई टू ओ टू गिव्स थ्री एच टू, डेल्टा एच क्या होगा थ्री इंटू, इसका वैल्यूज था वाटर का माइनस 285.83, ये कितना होगा माइनस की, पहले अभी इंटू पहले हम लोग किए थे उसको देख लेते हैं। अच्छा तीन से इंटू हो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 857.49 माइनस 857.49 को तो देख के पता चला तीन से इंटू करना है, हाँ गुड, किलो जूल पर मोल। फिर इधर हमको बेंजीन चाहिए, क्वेश्चन में ये वाला बेंजीन इधर दिया है तो इसको उल्टा कर देता हूँ, तो बेंजीन को इधर लेकर तो इसको रिवर्स करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो इसका साइन भी चेंज होगा, बिकॉज एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक हो जाएगा है? तो क्या लिखते हैं इसमें, 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 3H2O गिव्स C6H6 प्लस 15/2O2 और डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, प्लस में आ जाएगा 3267 किलो जूल पर मोल। ठीक, अभी पूरा रिएक्शन को ऐड कर देते हैं, ऐड करने से देखोगे जो हमको चाहिए था वो आ जाएगा, कैसे आएगा देखो, 6 ही है, 6 O2 है, O2 के एक साथ लिख देता हूं, 3/2 O2 है लेफ्ट हैंड साइड में, ये है 3H2 है, 6CO2 है, पूरा पेपर को पूरा कर देता हूं, प्लस 3H2 है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये लिखा ये और ये लिख दिया लेफ्ट वाला, उसके बाद 3H2 लिखा, 6CO2 लिखा, 3H2, राइट वाला लिख लेते, 6CO2 प्लस 3H2 प्लस, उनसे बाद थोड़ा लेट हो जाते हैं, प्लस C6H6 प्लस 15/2 O2, ये तो कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, और ये जो देखो ये कितना होगा, 6 प्लस 3/2 कितना, 15/2, ये भी 15/2, ये भी कैंसिल हो गया, खुशी क्लियर बेटा, खुशी इज इट क्लियर, ओके लक्षित, तो लोग का डाउट था बेटा, पाखी पाखी का तो क्लियर हो गया था शायद, यस 3H2 गिव्स C6H6, ये तो हम लोग सारे रिएक्शन को ऐड किया, इसके एंथैल्पी भी ऐड हो जाएगा, एंथैल्पी ऐड होगा तो कितना हो जाएगा डेल्टा एच का वैल्यू, इसको तो माइनस 2361 माइनस 857.49 प्लस 3267, हाँ बेटा, हाँ समृद्धि अभी बताते, वो तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, तो इसको करने के बाद इसके आंसर्स आएगा, कितना आएगा बेटा देखिए, समृद्धि देखिए दोनों ऐड कर दीजिए, फिर ये वाला इसके साथ माइनस, नहीं माइनस में क्या आएगा, प्लस में आएगा बेटा, प्लस में आएगा, देखिए बेटा, यस 48.51 किलो जूल पर मोल। तो अभिनव इज इट क्लियर टू यू, लक्षित इज इट क्लियर टू यू, समृद्धि
मैं भी दोबारा बताएंगे, रिकॉर्ड हो चुका है, मैं दो दो बार बताया, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है बेटा, अभी फिर दोबारा बताएंगे। ओके ओके ठीक है, अभी बताएंगे। एक क्वेश्चन दिया, उसको चेक कर लेता हूँ।